चुके हैं, बस अभी ब्रेकफास्ट करेंगे और तो फिर मिलते हैं रास्ते में। गाइस अंदर से मेरा रूम ऐसा है, ये वॉशरूम है। तो कैसा लगा गाइस आपको, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। कर रहा हूँ, कुछ बताइए सर। आप देख रहे हैं कॉटेज है और 2003 है, पठानकोट है। ओके, तो नियर बाय प्लेसेस है। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल ऑन द वे अमन। आज मुझे 2 दिन हो गए हैं डलहौजी के अंदर, तो शायद आज मेरा निकलने का प्लान है। और फ्राइडे को मैं यहाँ आया था डलहौजी में और डलहौजी को कवर किया, और कल मैं खजियार चला गया था जिसका व्लॉग आने वाला है 1-2 दिनों में। और अच्छा रहा ये ट्रिप मेरा डलहौजी के अंदर। सामान मेरा इधर उधर बिखरा पड़ा लेकिन रेडी हो चुका है, बस अभी ब्रेकफास्ट करेंगे और धर्मशाला के लिए निकल जाएंगे। तो बाकी बातें हम बाइक पे करेंगे गाइस। तो गाइस करते हैं बाय बाय डलहौजी को और निकल पड़ते हैं धर्मशाला के लिए नेक्स्ट राइड पर। मस्त रोड है यार धर्मशाला के लिए डलहौजी से निकलते हुए। अभी मैं बलेरा की साइड जा रहा हूँ जो कि 7 किलोमीटर है, उससे आगे लाड़ू आएगा, लाड़ू से आगे जो है धर्मशाला के लिए रोड कटती है जो कि 107 किलोमीटर, जहाँ मैं अभी जा रहा हूँ रूम स्टे के लिए। कोई अतुल जी है जो कि धर्मशाला में है, उनसे मिलने जा रहा हूँ। जय हो गाइस, घर देखिए कितना पुराना और कितना प्यारा है। वाओ, दिन में जितने अच्छे लगते हैं पहाड़ और ये रास्ते, रात को उतने ही ज्यादा ये मतलब ना बहुत ज्यादा स्केरी हो जाते हैं। मतलब कोई भी आना पसंद नहीं करेगा रात को यहाँ। चंबा के लिए 78 किलोमीटर इधर लिखा हुआ है और धर्मशाला के लिए इधर राइट। ये देखिए गाइस कैसे कैसे पहाड़ है, पता नहीं क्या है ये, ऐसे लग रहे बड़े बड़े किले खड़े रखे हैं, जयपुर वाले फोर्ट याद आ गए मुझे। आप तीनों ट्रैकिंग कर रहे हो कि जस्ट कोई हेल्प चाहिए? ओके, मुझे लगा कोई प्रॉब्लम है इसलिए चल रहे हो तीनों। अच्छा कौन सा मंदिर है ऊपर, कोई विशेषता उसकी कि जस्ट ऐसी दर्शन करने के लिए? हाँ चलो कोई नहीं, कितने दूर है? ओके ओके ओके, हाँ मैं ब्लॉगर हूँ। ऑन द वे अमन, ओके बाय। कल मुझे खजियार जाते हुए डर लग रहा था क्योंकि मैंने अपने राइडिंग गेयर्स नहीं पहने हुए थे, जस्ट एक जैकेट और जीन पहनी हुई थी सिंपल। तो अब मैं थोड़ा रिलैक्स हूँ कि राइडिंग गेयर्स मेरे आ गए हैं। सामने का व्यू कितना प्यारा है गाइस, और रोड भी कितनी प्यारी है, मस्त है रोड। हेलो गाइस, एक्चुअली थोड़ा थक गया था तो मैंने बाइक रोड पे लगाकर साइड पर थोड़ी रेस्ट करने की सोची है, और कानों में मैंने ना हेडफोन लगा रखे थे
इतनी दर्द हो रही है ना कान के अंदर। पीछे का व्यू दिख रहा है आपको, बड़े बड़े पहाड़ और ऊपर बर्फ गिरी हुई है। पता नहीं ये GoPro उसको कैप्चर कर रहा है ढंग से कि नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो छोटी सी एक ब्रेक बन जाए चाय और देखते हैं क्या मिलता है यहाँ, छोटा मोटा स्नैक खा के फिर चलते हैं। गाइस अभी मैंने चाय मंगाई है और एक वेज थाली मंगाई है, मेरा लंच टाइम हो चुका है। तो गाइस पेट पूजा हो गई है, विशाल रसोई से निकलते हैं आगे के सफर के लिए। तो कुछ ऐसा रास्ता है जहाँ मैं जा रहा हूँ रूम स्टे के लिए। लोकेशन तो बहुत प्यारी है। तो गाइस फाइनली मैं पहुँच गया हूँ, यहाँ अतुल जी रहते हैं जिनसे मेरी बात हो रही थी। काफ़ी अच्छी लोकेशन पे है। तो फाइनली गाइस पहुँच गया हूँ मैं। ये कुछ नए फ्रेंड्स मिले हैं मुझे। और गाइस अंदर से मेरा रूम ऐसा है, काफ़ी प्यारा सा ये बेड लगा है। यहाँ से तो एंट्री है और यहाँ से बाहर जाने के लिए रास्ता है और ये वॉशरूम है। ये बोनफायर के लिए और एक ये प्यारी सी किचन। अगर कोई खुद कुक करना चाहता तो खुद कुक कर ले, नहीं तो खाने पीने के लिए तो यहाँ से भी मिल जाएगा आपको। तो कैसा लगा गाइस आपको, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे तो बहुत प्यारा लगा ये। तो गाइस ये हैं अतुल जी और इन्हीं के यहाँ मैं स्टे कर रहा हूँ। तो कुछ बताइए सर इस बारे में, इस लोकेशन के बारे में। लोकेशन मैं होस्ट करता हूँ, जो मेरा सामने आप देख रहे हैं कॉटेज है और 2015 से कर रहा हूँ ये। ओके होस्टिंग। ओके ओके। ये मेरा फैमिली हाउस है, बैक डोर पे देख सकते हैं। ठीक है। और पीछे का व्यू काफ़ी अच्छा, काफ़ी अच्छा व्यू है। ये मेन मतलब कांगड़ा का ही है ना, ये जो धर्मशाला का जो पहाड़ी है। बिल्कुल, कांगड़ा वैली ही बोलते हैं और ये धौलाधार रेंजेस हैं। ओके ओके। और धर्मशाला सब हेडक्वार्टर है। ओके। और मैक्लोडगंज इसका टूरिस्टिक प्लेस है। ओके। और यहाँ से आपके मोस्टली प्लेसेस जो है वो कवर हो जाते हैं। कांगड़ा हो गया, धर्मशाला है, पालमपुर आपके ईस्ट में बीड़ बिलिंग है, वेस्ट में आपका डलहौजी है, पठानकोट है। ओके। तो नियर बाई प्लेसेस हैं। ओके ओके। और डे बाई डे अप्रोचेबल है सारे। ठीक है। ये मेरा कैंपस एरिया है जहाँ पे आप अपना चिल आउट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। ओके। तो थोड़ा सा एटमोसफेयर है, आइसोलेटेड सा एटमोसफेयर है। अपना एक कीमती वक्त लेके हर इंसान आता है कि वो शोर शराबे से दूर रहे। बिल्कुल, तो उनके लिए बढ़िया जगह है। और ये आपके पास है सर? हाँ, ये मैं भी थोड़ी सी टूरिंग तो करता हूँ। ये अतुल जी ने हिमालयन रखी हुई है, बहुत प्यारी लग रही है। हाँ, ओके। और ये छोटे छोटे कुछ नए फ्रेंड्स हैं, कुछ मुर्गे हैं, कुछ डक्स हैं। मैं सोच रहा था उनको भी कैप्चर करने की। तो गाइस ये रूम स्टे, तो गाइस जहाँ मैं अभी स्टे कर रहा हूँ वहाँ से एंट्री होती है। एंट्री यहाँ से आते 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 ये सामने जो दिख रहा है आपको वो अतुल जी वहाँ पे रहते हैं और इस प्रॉपर्टी के जो ऑनर है वो अतुल जी है। और सामने आप देख रहे हैं वहाँ, यहाँ मेरा रूम है और ये अतुल जी हैं। बहुत ही प्यारी लोकेशन पे है ये। यहाँ आप कैंपिंग भी कर सकते हैं। और ये कुछ नए फ्रेंड्स हैं, छोटे छोटे फ्रेंड्स।
अतुल जी हैं, ये भी बहुत शौक रखते हैं चीज़ों का। और ये सामने आप जो जगह देख रहे हैं, यहाँ आप कैंपिंग भी कर सकते हैं, बोनफायर भी कर सकते हैं, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है यहाँ, और प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, काफ़ी फ्रेंडली नेचर है अतुल जी की। एक बार आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा अगर आप यहाँ आना चाहते हैं, धर्मशाला में घूमना चाहते हैं, मैक्लोडगंज में सारी जो भी जितनी भी प्लेसेस हैं इनके यहाँ से बहुत ही नज़दीक है, कम से कम 8 से 10 किलोमीटर के एरिए में सारी प्लेसेस आपकी जो है कवर हो जाएंगी। बहुत ही प्यारा फार्म हाउस है इनका ये। तो गाइस ये हैं हमारे दो नए फ्रेंड्स यहाँ फार्म हाउस पे, इसका नाम डार्वी है और उसका नाम मैं भूल गया, बट वो बहुत शरीफ है और ये बहुत नॉटी है।